the world. But still, Zakir has an ecosystem that cheers him. We call him Zakir. We call them Zakir fans. मनोज जी, जाकिर नायक को के लिए जो रेड कारपेट बिछाया गया पाकिस्तान में, जब आपसे उनकी मुलाकात हुई, तब आपने उनसे मिलते ही क्या कहा? मनोज जी, मैं सुन नहीं सका, आप मुझे दोबारा से, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपकी मुलाकात हुई जाकिर नायक से, तो आपने सबसे पहले उनसे क्या कहा? क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को। देखिए, मैंने ये कहा कि हमारा जो धर्म है वो इंसानों से प्यार करना सिखाता है और अहिंसा को प्रमोट नहीं करता। हमारे मजहब में, हमारे धर्म में जो है वो जानवरों से भी प्यार करना सिखाता है, उस पर तशद्दुद करना अलाउ नहीं, वायलेशन अलाउ नहीं। तीसरी बात मैंने कही कि आप कहते हैं कि 50 लाख या 60 लाख मुसलमानों को, हिंदुओं को मुसलमान किया, या दूसरे मजाहिब के जो अकायद के जो लोग हैं उन्हें मुसलमान किया, अच्छी बात है। लेकिन ये लोग जो मजहब की आड़ में जो छोटी छोटी मासूम बच्चियां जो फोर्स कन्वर्जन के मामलात हैं, हिंदू गर्ल्स किडनैपिंग के मामलात हैं, और ये जो मंदिरों को तोड़ा जाता है, और ये जो जितने भी जो वायलेशन होते हैं वो मजहब की आड़ पर होते हैं। तो मैंने उनका एक सवाल बनाकर किया कि ये दुनिया जो सफर कर रही है, वो कंट्री भी बदनाम होती है पूरी दुनिया में, कि जब मजहब के नाम पर, फिरकावारियत के नाम पर लोगों को कत्ल किया जाता है, उसका मर्डर किया जाता है, तो इसकी स्ट्रेटेजी आपने क्या बनाई है? आपने इतना काम किया, ठीक है, तो क्या जवाब दिया इस सवाल का? जाकिर नायक ने क्या जवाब दिया? व्हाट डिड ही टेल यू? कैमरा 4-5 करोड़ का है, मान लिया, पीस टीवी में लाखों लोग है, मान लिया। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल था, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। और इसका जवाब देना इतना आसान इसलिए भी नहीं है कि एक आम आदमी इसका जवाब नहीं दे सकता। अगर आपने इस पर काम किया होता तो आप इसका जवाब बिल्कुल दे सकते। तो मनोज जी, अगर ऐसा सब कुछ है तो पाकिस्तान इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहा है जाकिर नायक को? इस तरह का यो वेलकम, जो प्रधानमंत्री भी जो पाकिस्तान के हैं वो भी उनको गले लगा रहे हैं। एक आदमी जो टेररिस्ट के साथ खड़े रहता है, आप लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। मुल्क है हमारा, अपना मुल्क है बांग्लादेश, हमारा अपना मुल्क है। लेकिन जब कोई किसी और कंट्री से लोग, मैं एक मिनट लूंगा आपका। देखिए, सनातन धर्म की रीत है कि अतिथि देवो भव, जो मेहमान है वो भगवान समान होता है, तो हम अपनी रीत को तो खराब नहीं कर सकते। इसी तरीके से गवर्नर सिंह साहब जो है, उन्होंने वेलकम इसलिए कि इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, और जब दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आए हैं तो ये हमारा धर्म बनता है। इंटरनेशनल स्कॉलर तो वो अपने आप को कहते हैं मनोज जी, लेकिन वो है क्या? वो तो टेरर सिंपथाइजर है, पता है आपको? तो पता ही होगा उन्होंने ओसामा बिन लादेन के बारे में क्या कहा है। जी, मुझे मालूम है, उन्होंने बहुत अल्फाज यूज किए उनके लिए, लेकिन मैं इस टॉपिक पे तो नहीं जाऊंगा ज्यादा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे, अच्छा मैं अगर मनोज जी आपसे पूछूं, आप तो खुद पाकिस्तान में रहते हैं, इतनी हिम्मत दिखाई है आपने, अगर मैं आपसे पूछूं ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल टेररिस्ट था, बिल्कुल, दुनिया जी दुनिया मानती है, लेकिन हमारे हमारे पास कुछ लोग हैं जो अलग दुनिया से हैं, वो नहीं मानते हैं। अब्दुल रजाक खान, वो जो ओसामा बिन लादेन है टेररिस्ट? देखिए, डॉक्टर जाकिर नायक साहब दामाद बरकातुहम ने कहा था कि अमेरिका क्रिएटेड ओसामा बिन लादेन, जॉर्ज बुश डिड 9/11, ओसामा बिन लादेन इज नीदर ए टेररिस्ट नॉर अ सेंट। इसमें क्या टेरर सिंपति दिख गई भाई आपको? No, he is not a terrorist. और जो मनोज, यू आर सेइंग, एक मिनट, मनोज साहब पे बात भी जाएंगे, अब्दुल रजाक खान, यू आर सेइंग ओसामा बिन लादेन इज नॉट अ टेररिस्ट? जी, एक इस्लामिक कंट्री में सर, ही वॉज नॉट ट्राइड इन एनी इंटरनेशनल कोर्ट, या सो ही वॉज नॉट अ टेररिस्ट? आई हैव वांटेड, दे वुड हैव कैप्चर्ड हिम अलाइव एंड ब्रॉट हिम इन फ्रंट ऑफ पीपल। अब्दुल रजाक खान, इन व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, वन मिनट सर, इट वॉज अब्दुल रजाक खान सर, वन मिनट, इन व्हाट वर्ल्ड आर यू लिविंग इन? हर बात को मानिए, नहीं नहीं नहीं, एक आदमी जो पाकिस्तान में रह रहा है, अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान इज शोइंग करेज एंड इज कॉलिंग आउट अ टेररिस्ट लाइक ओसामा बिन लादेन, बट यू रिफ्यूज टू टेक अ स्टैंड। डोंट शो डबल स्टैंडर्ड। हु वाज ओसामा बिन लादेन? बिकॉज ही वाज नॉट ट्राइड इन अ, नो नो, वन मिनट, बिकॉज ही वाज नॉट ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, दैट मींस ही वाज नॉट अ टेररिस्ट। प्लीज अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी, द क्वेश्चन इज टू मी, प्लीज अलाउ मी टू रिप्लाई। You have questioned me, please allow me to reply.
सर व्हेन अमेरिका कॉल्स ओसामा बिन लादेन अ टेररिस्ट यू आर बिलीविंग इट बट टुडेज अमेरिकाज रिपोर्ट सेज दैट देयर आर एट्रोसिटीज हैपनिंग ऑन माइनॉरिटीज द गवर्नमेंट एंड यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हाउ कैन दिस बी अ डबल स्टैंडर्ड सर इन द एंटायर वर्ल्ड इट वॉज ओनली अमेरिका विच वॉज अफेक्टेड बाई बिन लादेन